यहाँ पे अगली ड्रेस में चलते हैं। और ये वाली ड्रेस, मतलब कि इस वाली ड्रेस को कौन ही भूल सकता है, क्योंकि ये वाली जो ड्रेस है ये Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now. तो यार हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग चेकआउट करने वाले हैं न्यू कस्टम क्रेट जो कि आ गई है बीजीएमआई के अंदर। अब यार आज के इस वीडियो पे हम लोग पूरा पूरा देखेंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि काफी सारी जो चीजें हैं वो पबजी के आर से भी उठाई गई हैं। आप लोगों को भी पता चलेगा, अगर आप लोगों ने पबजी के आर कभी खेला है तो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो सारी सारी जो चीजें हैं बीजीएमआई के अंदर अब ला दी गई हैं। और अगर आप लोग कस्टम क्रेट को ओपन करते हो, क्रेट ओपनिंग करते हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली चांस है कि आप लोग उनको निकाल पाओ दोबारा से। तो यार आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे करो। तो यार चलो आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्रेट्स के अंदर। तो देखो मैं क्रेट्स के अंदर आ गया हूं, मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे जो हमारी सबसे पहली वाली जो ड्रेस है ये हम लोगों को पबजी के आर में देखने को मिलती थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये काफी ज्यादा कमाल क्रेट है, इसका नाम है फ्राइट नाइट फूड, जो कि एक भूतिया सी ड्रेस है और हॉरर काफी ज्यादा लगती है, डरावनी। और आप लोगों को काफी ज्यादा इसे पसंद आती होगी, क्योंकि मुझे भी मस्त लग रही है, आप लोग कैसे लग रही है कमेंट में बताना। खैर यहाँ पे अगली ड्रेस में चलते हैं, और ये वाली ड्रेस, मतलब कि इस वाली ड्रेस को कौन ही भूल सकता है, क्योंकि ये वाली जो ड्रेस है ये सेकेंड वाली, ये मेरे फ्रेंड के पास थी और उसके पास थी तो काफी ज्यादा सही थी, मतलब कि काफी ज्यादा ठीक थी। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपनी अगली, अब इसका नाम पहले मैं आप लोग बता देता हूँ, इसका नाम है स्टार्स एंड स्ट्राइप्स आउटफिट, उसके पहले वाले का रेड व्हाइट एंड ब्लू आउटफिट। अब इसके नाम के पीछे आप लोगों को कारण पता ही होगा कि रेड व्हाइट एंड ब्लू इसका कलर है ड्रेस का, ठीक है। अगले हम लोग अगले ड्रेस में चलते हैं। ये ड्रेस शायद से हम लोगों को कुछ दिनों पहले ही देखने मिली थी एक क्रेड में, अगर आप लोग याद हो तो, ये पबजी के अंदर हम लोगों को देखने मिली थी, और इसका नाम है कार्डबोर्ड मेका हेडगियर, मेका हेडगियर, ठीक है। अगला जो हम लोगों का ड्रेस है ये राजा वाली ड्रेस कौन बोल सकता है, काफी ज्यादा सही ड्रेस थी और मुझे तो ठीक ठाक लगी थी, आप लोग कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बताना। हर एक ड्रेस के लिए मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग कमेंट बताना, आप लोग जो अच्छी लग रही हो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बता सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्किन के पीछे, जो कि है हम लोगों की M4 की स्किन, काफी ठीक ठाक है। अब यार ये आप लोग मुझे बताओ कि ये क्या पबजी के आर में आई थी या फिर नहीं, मुझे तो यार बिल्कुल भी नहीं याद है। उसके बाद जो हमारी ये DP है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की, और मैं DP आजकल काफ़ी ज़्यादा चला रहा हूँ, तो मुझे तो चाहिए थी यार स्किन, लेकिन मैं नहीं निकाल सकता, है नहीं इतनी यूसी, तभी भविष्य में अगर फ्यूचर में हो रहा तो डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक कार9 की स्किन जिसका कि नाम है वारलॉक कार9, काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। DP की स्किन का नाम है, आप लोग नहीं बताया मैंने, स्टार एंड स्ट्राइप्स, यानी कि वो वाली ड्रेस जो है इसी पे आधारित है ऑलमोस्ट। और ये वाली देखो, ये रेड व्हाइट एंड ब्लू उस वाली ड्रेस के ऊपर आधारित है ये वाली, समझ रहे हो आप लोग। तो उसके बाद जो हमारी अगली स्किन है वो है ये मोटर बाइक, जो कि ये 3 पहिए यानी कि 16 वाली पिक्चर की जो ये बाइक है, ये शायद से मैंने कभी देखी है, पता नहीं मुझे याद नहीं है, आप लोगों ने अगर देखी है तो आप लोग कमेंट मुझे बताओ। अब जो हमारी अगली स्किन है वो है ये, मतलब कि क्या ही कमाल की यार ये US है, अब मुझे मिल जाए ना तो कसम से मैं तुरंत ले लूँ यार, क्या ही बताएं यार, बहुत ज़्यादा मुझे मस्त लग रही है, आप लोग कैसे लग रही है डेफिनेटली कमेंट बताओ। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा ये हेलमेट, Level 3 में आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, काफ़ी ठीक ठाक है, एवरेज सा है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बैग वो भी ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इसका नाम भी है स्टार्स एंड स्ट्राइप्स बैक पैक। उसके बाद जो हमारा अगला हेलमेट है ये काफ़ी ज़्यादा लुक में कमाल देखने को लग रहा है, और काफ़ी कुछ अलग भी लग रहा है। उसके बाद जो ये बैग है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, और बिल्ली पीछे छपी हुई है ना, हड्डी छपी, पता नहीं क्या है, आप लोग मुझे बताना कमेंट में। अब जो हमारा अगला है वो ये है हेड गियर, जो कि पहले भी हम लोग देखने को मिल चुका है, और ये शायद से इस वाली ड्रेस का है, बिल्कुल सही मैंने पहचाना, क्योंकि मैंने नाम पढ़ लिया था रेड व्हाइट एंड ब्लू आउटफिट। अब मैं आप लोग इसका पूरा पूरा एक कॉम्बो ही दिखा देता हूँ रेड व्हाइट एंड ब्लू आउटफिट का, और जल्दी से मैं बनाता हूँ कॉम्बो, कौन सा बैकपैक था, यही वाला था। तो ये देखो हमारा पूरा पूरा कॉम्बो बन के तैयार हो गया है इस ड्रेस का। उसके बाद हम लोग चलते हैं यार, अब लोग अगले जो हमारी न्यू चीज़ आई है तो वो है हमारी एक और हेड गियर, जिसका कि नाम है स्ट्राइप्स एंड स्ट्रिप्स हेड। तो इसका भी मैं आप लोग कॉम्बो बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, काफ़ी ज़्यादा कमाल के लगेगा। और ये वाला डांस यार मेरा फ्रेंड बहुत ज़्यादा करता था, वो चलता ही रहता था दिन भर फालतू में, पता नहीं क्यों उसको मज़ा आता था चलने में इतना। खैर यहाँ पे इसकी हेड लगाते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ पे शायद ये बैकपैक, हाँ यही बैकपैक है। तो ये हमारी जो है पूरा पूरा आउटफिट हो गया, और ये वाला आउटफिट
रेड व्हाइट एंड ब्लू आउटफिट से मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये वाला जो कॉम्बो है वो ज़्यादा अच्छा है या फिर जो पिछले वाला यानी कि रेड एंड व्हाइट एंड ब्लू आउटफिट था वो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में बताना जरूर से। अब जो हमारा अगला चीज़ आई है इसमें तो वो है ये वाली ड्रेस, काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है और ये साइज से मैंने पिछले देख रखी है, अब मुझे याद नहीं है ज़्यादा। उसके बाद ये साइज से हाँ ये वाला जो और ये वाला हाँ दोनों एक ही है यानी कि ये इसका कॉम्बो है। उसके बाद ये ग्रेनेड की स्किन है जो कि है फ्रॉग प्रिंस ग्रेनेड, मतलब फ्रॉग प्रिंस ग्रेनेड कुछ भी। तो उसके बाद ये ऑर्नामेंट है, उसके बाद ये भी ऑर्नामेंट है, उसके बाद ये पेन की स्किन, ये पेन की स्किन काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है और लकड़ियों को मतलब लड़कियों को तो और भी ज़्यादा कमाल की लग रही होगी। और यहाँ पे जो हमारा अगला ये है पैरासूट, वो भी लड़कियों के लिए ज़्यादा कमाल का है, वैसे ठीक ठाक है, लड़के भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये मिनी की स्किन पहले भी हम लोग देख लो मिल चुकी है और ये पता नहीं क्या है और ये पता नहीं क्या है और ये पता नहीं क्या है, पूरे पूरे एक सूट है रैबिट सीजन हाई टॉप स्नीकर्स का, काफ़ी ज़्यादा कमाल का लुक है इसका भी और ठीक ठाक है, मतलब कि एवरेज सा है, मतलब उतना भी अच्छा भी नहीं कह सकते और उतना ख़राब भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक ही है ये पूरा पूरा इसका सूट है। ठीक है, आप लोगों को मैंने दिखा दिया, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को दिखाने लायक है नहीं, खैर और क्या ही दिखाऊं। ये वाला मास्क आप लोग देख लो और खुशी हो लो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डरावना मास्क है। बच्चे जो वीडियो देख रहे हो आप लोग डरना बिल्कुल मत, ठीक है, उतना ज़्यादा डरावना भी नहीं है। आप लोगों को यार वीडियो मज़ा आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे करना और अपने जो थॉट्स कमेंट मुझे बताना जरूर से। मिलती है हम लोग अगली वीडियो।